हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर हम लोगों को लेग वैक्सिंग करनी हो या बॉडी वैक्स करनी हो तो हम लोगों को किस तरीके से करनी चाहिए, ख़ासतौर से गर्मियों में जिस टाइम पर हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है वैक्सिंग करने में विदाउट एसी। और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हनी वैक्स, और ये है एलोवेरा, यह है हनी नेचुरल एलोवेरा वैक्स, काफ़ी अच्छी वैक्स होती है। और इसके साथ में हम लोग यूज़ करेंगे आफ्टर वैक्सिंग लोशन, और हमें पट्टियाँ चाहिए इसके लिए, थोड़ी सी ना मोटी वाली पट्टी अच्छी रहती हैं, और हमें पाउडर चाहिए। और आप देख सकते हैं इनकी लेग पर काफ़ी हेयर है और काफ़ी मोटा वाला हेयर है इनका। तो वैक्सिंग ओनली फॉर हमें हेयर रिमूवर के हिसाब से ही नहीं करनी होती है, वैक्सिंग हमें टैनिंग को रिमूव करने के लिए भी करनी होती है। किसी किसी के बालों की ग्रोथ बहुत कम होती है बट वो लोग रेगुलर वैक्सिंग कराते हैं, तो उससे क्या होता है ना आपके पैरों की, हाथों की, बॉडी की जो टैनिंग है वो रिमूव हो जाती है बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले पाउडर लगाएंगे, वैक्सिंग करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है, सबसे पहले पाउडर लगाइए, उसके बाद में आप अपनी वैक्सिंग को देखिए कि कितनी पतली होनी चाहिए। तो देखिए इस टाइम ये चम्मच से बहुत स्लोली स्लोली गिर रही है, तो ये जो इसका टेक्सचर है ये बिल्कुल सही है यूज़ करने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं। और क्योंकि ये हनी वैक्स है, हनी वैक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो बहुत ज़्यादा चिपचिप करती है, बट इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करेगी। थोड़ा सा पट्टी जो है ना वो थोड़ी मोटी वाली लीजिएगा, क्योंकि आजकल ना बहुत मार्केट में पट्टी आती है वो बहुत ही पतली होती हैं, उनसे वैक्सिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और अब आप देख सकते हैं इनके बालों की जो डायरेक्शन है वो ज़्यादातर नीचे को ही होती है, सभी के पैरों के बालों की डायरेक्शन, तो आप नीचे को, अगर आपके बालों की डायरेक्शन है तो नीचे ही आप लोगों को वैक्स लगानी है, और उसकी अपोजिट साइड को आपको पट्टी को पुल करना है। तो एक ही बार में आपके बहुत अच्छे से सारे बाल आ जाएंगे, बिल्कुल भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कितना हेयर इनका आ रहा है, और प्लस टैनिंग भी कितनी अच्छे से रिमूव हो रही है। तो जो भी डायरेक्शन है उस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप हाथों पे वैक्स कर रहे हैं या बॉडी पे वैक्स कर रहे हैं तो आपको डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं हाथों की वैक्स की, पैरों की वैक्स की, अंडर आर्म्स की वैक्स की, तरह तरह की वैक्स मैंने उसमें, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वैक्स मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं उसमें कि किस किस तरीके से हम लोगों को यूज़ करनी है। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए हर्बल हनी वैक्स, एलोवेरा हनी वैक्स, और काफ़ी अच्छी है ये, गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि गर्मियों में जो है वो एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी भी तरह कोई रैशेज आने का डर नहीं रहता, किसी भी तरह कोई एलर्जी आने का डर नहीं रहता। और देखिए इस तरीके से हमें फुट पर भी वैक्स जरूर करनी चाहिए, क्या होता है सबसे ज़्यादा जो टैनिंग आती है ना वो हमारे फुट पर ही आती है नीचे, तो हमें वहाँ की वैक्सिंग जरूर करनी चाहिए। कुछ लोग ओनली फॉर अपने पैरों पे वैक्सिंग करते हैं, फुट पे नहीं करते बिल्कुल भी। तो आप लोगों को वैक्सिंग जिस टाइम आप कर रहे हैं, आपने अपना पार्लर अगर रन किया हुआ है तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, फिंगर पे भी बहुत अच्छे से करें क्योंकि वहाँ पर भी टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है। बाल नहीं है कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है सबके यहाँ पर बाल होते हैं, बाल बहुत कम लोगों के होते हैं, बट क्या होता है ना टैनिंग होती है तो वो धीरे धीरे जब आप वैक्सिंग करते हैं तो वो रिमूव हो जाती है बहुत अच्छे से। तो आज मैंने आपको बहुत ही डीपली वैक्सिंग करना बताया है, बहुत ही सिंपल तरीके से वैक्सिंग करना बताया है। और अगर आप अपना पार्लर रन करते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना पार्लर चला रहे हैं और उन्हें मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्प करती हैं, तो मैंने अपना चैनल उन्हीं लोगों के लिए चलाया हुआ है जो लोग इस लाइन में हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छे से काम करना आना चाहिए। तो देखिए मेरे पार्लर में इस तरीके से काम होता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही सफाई से, और प्रोडक्ट बहुत अच्छे यूज़ करें। सबसे मेन है कि प्रोडक्ट अगर आप अच्छा यूज़ करेंगे तो आपका काम ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। इस चीज़ में कोई भी लालच आपको नहीं करना है कि प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी बेकार क्वालिटी का यूज़ नहीं करना है, बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्पून से वैक्स क्यों लगा रही हूँ, स्पैचुला से क्यों नहीं लगा रही। मेरे यहाँ पर सब लोग ही ना स्पून से बहुत कंफर्टेबल होते हैं वैक्स लगाने में, और हम लोग स्पून से बहुत अच्छी वैक्सिंग कर देते हैं सबकी, और हम लोगों को स्पैचुला की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर हम लोग स्पैचुला से करना चाहें तो स्पैचुला से भी कर सकते हैं, बट मुझे स्पून से कराना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली वैक्स स्पून से लगती है, और काफ़ी सारी एरिया एक ही बार में कवर हो जाती है, क्योंकि हम जितनी पतली वैक्स लगाएंगे उतना अच्छा बाल आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी वैक्स लगाएंगे तो आपका बाल जो है वो इतनी अच्छे से नहीं आएगा, और आपकी जो वैक्सिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही पतली लेयर लगानी होती है वैक्सिंग की, और उसके बाद हम लोगों को बहुत अच्छे से उसको हल्का सा लगाने के बाद हल्की सी पट्टी को रख के हल्का सा दबाएं, और उसके बाद में आप उसको पुल कर दें, और देखेंगे आपके एक ही बार में आपकी पूरी वैक्स आएगी, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करेगी और कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी, काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों को बताया है। और देखिए इस तरीके से हम लोगों ने लेग वैक्सिंग फुल कर दी है, मतलब हाफ कर रहे थे हम इनकी, इस तरीके से ही आप लोग फुल भी कर सकते हैं, आप इसी तरीके से ऑल बॉडी वैक्स भी कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं। कुछ लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि फुल बॉडी वैक्स दिखाइए, तो देखिए जो नहीं दिखा सकती हूँ मैं अपने चैनल पर वो मैं नहीं दिखाऊंगी। मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया कि वैक्सिंग का जो मेथड है वो सेम है,
बॉडी के हर पार्ट पर आप सेम ही रखेंगे। बालों की डायरेक्शन जिधर है सर की साइड को वैक्स लगाइए और उससे दूसरी साइड को आप पुल कर दीजिए। देखिए ये जो करने का तरीका है वो सेम ही होता है पूरी बॉडी पर। तो आप सोचेंगे मैं किसी की बॉडी पर करके दिखाऊंगी, ऑल बॉडी वैक्सिंग मैं कभी नहीं दिखाऊंगी, मैं हाथों की वैक्स दिखा देती हूँ, पैरों की वैक्स दिखा देती हूँ, अंडर आर्म्स दिखा देती हूँ। और देखिए इस तरीके से ना जितनी पतली आपसे वैक्स लगा पाएँ आप लोग उतनी पतली वैक्स लगाइए, इवन लगाइए, कहीं मोटी कहीं पतली वैक्स बिल्कुल मत लगाइए। देखिए कितनी पतली वैक्स मैं लगा रही हूँ और ये क्यों लग रही है, क्योंकि मैं स्पून से लगा रही हूँ। स्पून से वैक्स लगाने में बहुत आसानी होती है, अगर आपके पास स्पैचुला ना हो तो आप स्पून से लगा सकते हैं। और हमारे पार्लर पर स्पून स्पैचुला सब कुछ यूज़ होता है। तो आप भी इसी तरीके से, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी एक टूल की वजह से बंद कर रह जाएं कि हमसे अगर स्पैचुला नहीं है तो हमसे वैक्स नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। हमारे घर में ही काफ़ी सारे ऐसे टूल होते हैं जिनसे हम पार्लर का बहुत ईजिली काम कर सकते हैं। तो एक जो टूल है वो चम्मच भी है, चम्मच से भी आप बहुत अच्छी वैक्स कर सकते हैं और बहुत नीट एंड क्लीन वैक्स कर सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। तो देखिए पूरी वैक्सिंग इनकी हो चुकी है, लेग वैक्सिंग हम लोगों ने इनकी कर दी है, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इस तरीके से ही आप लोग करिए और इसके बाद में ये आप इसको क्लीन करिए बहुत अच्छे से गीली टॉवल के साथ। एक टॉवल ले लीजिए, छोटी वाली जो टॉवल आती है वो टॉवल ले लीजिए और उसके बाद आप इनके जो पैरों को है वो बहुत अच्छे से क्लीन करिए, क्योंकि हनी वैक्स जो है उसको पहले पानी से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद में आप लोगों को इसके ऊपर लोशन लगाना है, वो भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। आप आफ्टर वैक्सिंग जेल लगा सकते हैं, आप आफ्टर वैक्सिंग लोशन लगा सकते हैं, मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है और ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मैं लोशन लगा रही हूँ और बहुत इजीली हल्की सी मसाज करिए, पूरा जो लोशन है वो अंदर पेरिटेट हो जाता है स्किन के और आपकी स्किन पर किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आने देता है, मतलब आपके कोई दाना वगैरह नहीं निकलेगा, बहुत अच्छे से आपकी वैक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी और आपका बाल जो है वो भी काफ़ी लेट निकलता है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।